गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, पिछली कक्षा में हमने देखा था प्रक्षेप गति के अंतर्गत जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित की जाती है तो वहाँ पर जो प्रक्षेप गति होता है उसके लिए हमने प्रक्षेप पथ का समीकरण देखा था। और प्रक्षेप पथ का जो समीकरण जो होता है वह परवलयाकार होता है। उसके लिए हमने उसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था। यहाँ पर फिर से देखिए डायग्राम को। मान लो ये क्षैतिज दिशा है OX और OY ऊर्ध्वाधर दिशा है। यदि हम क्षैतिज के साथ किसी कोण बनाते हुए वस्तु को फेंकें तो वह वस्तु पुनः क्षैतिज में आकर के इस बिंदु पर मिलती है। मान लो यह बिंदु A है तो क्षैतिज दिशा मतलब ये OX जो है पृथ्वी के तल को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर O मूल बिंदु है। O से वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है U और यह क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो उस स्थिति में इस वेग को दो घटकों में हम बांटते हैं। एक कहलाता है OX मतलब X अक्ष की दिशा में क्षैतिज घटक, इसका मान होता है U cos थीटा के बराबर। और जो ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है उसका मान होता है U sin थीटा के बराबर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका उच्चतम बिंदु है। यदि हम उच्चतम बिंदु को B से दर्शाएं तो इस बिंदु B पर जो UY का जो मान जो होता है, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वह शून्य होता है। और B से यहाँ तक की जो ऊंचाई जो होती है पृथ्वी की सतह से, इसकी ऊंचाई को हम H से डिनोट करते हैं। और O से X तक की जो दूरी है इसको हम कैपिटल R, जिसको हम क्षैतिज परास कहते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले उड्डयन काल का मान ज्ञात करते हैं। पहला है उड्डयन काल। उड्डयन काल हम किसे कहेंगे? तो उड्डयन काल किसे कहेंगे हम? प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और फिर पुनः पृथ्वी के तल में वापस आने तक जितना प्रक्षेप को समय लगता है उसे हम उस प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात जब वस्तु जो प्रक्षेप है बिंदु O से प्रक्षेपित किया जाता है तो बिंदु O से प्रक्षेपित करने के पश्चात वह अधिकतम ऊंचाई मतलब बिंदु B तक पहुंचता है। उस स्थिति में उसका जो ऊर्ध्वाधर जो वेग है उसका मान शून्य हो जाता है और फिर धीरे धीरे वस्तु का वेग जो ऊर्ध्वाधर वेग है वह पुनः बढ़ने लगता है और वह बिंदु A पर आकर के पृथ्वी की सतह पर मिलता है। तो इस प्रकार से वस्तु का मतलब प्रक्षेप को O से B तक और B से A तक पहुंचने में जो कुल समय लगता है उसे हम उस वस्तु का या उस प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब प्रक्षेप पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज बिंदु से क्षैतिज तल में आता है तो उस स्थिति में y का मान कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए जब हम प्रक्षेप को फेंकते हैं उच्चतम ऊंचाई तक पहुँचता है और फिर से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन हुआ है वो कहाँ पर होगा, कितना होगा? फिर से वह पृथ्वी की सतह पर ही आता है। इसलिए यहाँ पर इस रेखा पर OX अक्ष पर Y का मान कितना होता है? जीरो के बराबर। हमने जब प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात किया था तो हमको वहाँ पर एक समीकरण मिला था। तो उस समीकरण के यहाँ पर लिखते हैं समीकरण Y बराबर U साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये समीकरण हमको वहाँ पर प्राप्त हुआ था। y बराबर
यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन अपॉन टू जी टी का स्क्वायर। जब हमने प्रक्षेप पथ का समीकरण याद किया था वहाँ पर हमको एक कंडीशन प्राप्त हुआ था, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए वाई का मान मिला था हमको यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन अपॉन टू इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। अब इस समीकरण में हम रखेंगे वाई का मान जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन जो हो रहा है उस स्थिति में विस्थापन का मान कितना हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई का मान जीरो के बराबर। पहले जीरो मूल बिंदु पर था और फिर से टी समय पश्चात वह क्षैतिज में ही आकर के स्थिर है, बिंदु ए पर आया है, तो इस स्थिति में वाई का मान कितना हो रहा है, जीरो के बराबर। तो उस स्थिति में ये हो गया वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस वन अपॉन टू जी टी का स्क्वायर, या इसी को अब हम लिख सकते हैं वाई का मान कितना रखेंगे, जीरो बराबर ये मिलेगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन अपॉन टू जी टी का स्क्वायर, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं एक बटे दो, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, एक बटे दो जी टी का वर्ग बराबर यू साइन थीटा इंटू टी, या इसी को हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए t की घात इधर लेफ्ट हैंड साइड में दो है और इधर t की घात एक है, तो दोनों साइड का एक t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये जी टी बटे टू बराबर इधर बचेगा u साइन थीटा, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो t बराबर हमको मिलेगा टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा त्रिया गुणा हो जाएगा 2u sin थीटा बटे, यहाँ पर t इधर रख रहे हैं मतलब g बटे में आ जाएगा, तो हमको प्राप्त हो जाता है t बराबर 2u sin थीटा बटे g। तो 2u sin थीटा बटे g यह t का मान है और t को हम कहते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ प्रक्षेप का उड्डयन काल t बराबर 2u sin थीटा बटे g। यहाँ पर इसको अलग से लिख कर रख दिए रहते हैं, आगे काम आएगा। प्रक्षेप का उड्डयन काल ये हमको प्राप्त हुआ t बराबर 2u sin थीटा बटे g। इसके बाद हम देखेंगे प्रक्षेप के उड्डयन काल के बाद हम देखेंगे इसका क्षैतिज परास कैपिटल R का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, क्षैतिज परास को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। तब कैपिटल R की परिभाषा क्या होगी या क्षैतिज परास की परिभाषा क्या होगी, अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप द्वारा तय की गई जो क्षैतिज दूरी है को ही हम क्षैतिज परास कहते हैं। मतलब क्षैतिज परास किसे कहेंगे, अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है या जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है उस क्षैतिज दूरी को ही हम क्षैतिज परास कहते हैं और जिसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा क्षैतिज परास बराबर हो जाएगा औसत वेग, मतलब यहां पर क्षैतिज जो वेग होगा क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो यहाँ पर जो वास्तव में जो क्षैतिज परास है वह विस्थापन के बराबर है, तो उस स्थिति में हो जाएगा विस्थापन बराबर दूरी गुणित विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा वेग गुणित समय। तो उसी के आधार पर हम जब क्षैतिज परास की परिभाषा लिखेंगे या सूत्र लिखेंगे जो क्षैतिज परास बराबर क्या हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्षैतिज वेग गुणित
उड्डयन का। तो क्षैतिज परास बराबर होगा क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्षैतिज परास को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं और हमारे पास जो क्षैतिज जो वेग है, क्षैतिज वेग का मतलब वेग का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कितना है यू कॉस थीटा के बराबर है। तो क्षैतिज वेग हो जाएगा यू इंटू कॉस थीटा। उड्डयन काल का मान अभी हम निकाले हैं, तो उड्डयन काल का मान निकाले हैं यहाँ पर टी बराबर कितना 2u साइन थीटा बटे जी। तो इसका मान रख देते हैं 2u साइन थीटा पूरे का बटे जी, या इसी को जब आगे हल करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है r बराबर u इंटू यू, यू का स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का बटे जी। यहाँ पर देखो u इंटू यू, यू का स्क्वायर ये 2 और cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसा लिख दिए हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का बटे जी। चूँकि हमको त्रिकोणमिति वाले सूत्र से पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा के बराबर। अतः यदि हम इसको अगला इक्वेशन नंबर दें, यहाँ पर इसको पहला इक्वेशन दे दो, इसको यदि हम इक्वेशन नंबर दूसरा दें तो हमको यहाँ पर अगला समीकरण मिलेगा। अतः r बराबर u स्क्वायर, इसके स्थान पर हम लिख देंगे साइन 2 थीटा बटे g। r बराबर हमको मिला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 या तीसरा ये क्षैतिज परास के लिए सूत्र को दर्शाता है। और क्षैतिज बराबर होता है फार्मूला u का वर्ग साइन 2 थीटा बटे g, ये क्षैतिज परास के लिए सूत्र है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्षैतिज परास का मान अधिकतम कब होगा, अर्थात हम किसी वस्तु को ज़्यादा दूरी तक हम कब फेंक सकते हैं। क्षैतिज परास का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA क्षैतिज परास है, तो इस क्षैतिज परास का मान कब अधिक होगा, या हम किसी वस्तु को ज़्यादा दूरी तक हम कब फेंक सकते हैं। तो इसका मान मैक्सिमम कब होता है, हमको पता है साइन का मान प्लस वन से लेकर के माइनस वन तक होता है, या साइन का जो मान जो होता है वह अधिकतम प्लस वन होता है। और प्लस वन होता है मतलब थीटा का मान कितना होगा, किसके लिए प्लस वन होता है, थीटा का मान प्लस वन साइन 90 के लिए होता है। तो यहाँ पर जो साइन 2 थीटा का जो मान होना चाहिए वह किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको आगे हम हल करते हैं क्षैतिज परास का मान अधिकतम कब होगा। इसके बाद देखिए क्षैतिज परास का मान अधिकतम होगा यदि साइन 2 थीटा का मान किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो इस स्थिति में यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर हमको पता है किसके लिए, साइन कौन से अंश के लिए 1 का मान प्राप्त होता है, साइन 90 अंश के लिए। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करें दोनों तरफ साइन है, तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर 90 अंश मिल जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हमको मिलेगा 45 अंश। इसका मतलब ये हुआ हम वस्तु को क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए यदि फेंकें तो हम उस वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंक सकते हैं, अर्थात वह वस्तु अधिकतम दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो यदि हम किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ कितने अंश का कोण बनाते हुए फेंकें, 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकें, तो वह वस्तु अधिकतम दूरी क्षैतिज में तय करती है। इस स्थिति में
अतः आर मैक्सिमम का मान कितना मिलेगा, क्योंकि साइन टू थीटा का और टू थीटा का मान कितना मिला है, एक, मतलब साइन टू थीटा का मान कितना रखेंगे, एक, तो आर मैक्सिमम का मान कितना मिलेगा, यू का वर्ग बटे स्मॉल जी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर चार। तो समीकरण चार से हम देखते हैं कि क्षैतिज परास का जो मैक्सिमम मान जो मिलता है, अधिकतम मान जो मिलता है, वह किसके बराबर होता है, यू का वर्ग बटे स्मॉल जी के बराबर। तो ये क्षैतिज परास का अधिकतम मान होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर फिर लिख दिए रहते हैं इसके सूत्र को, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास का फार्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बटे स्मॉल जी। अब इसके बाद हम याद करेंगे अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच का मान हम कैसे याद करेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है अधिकतम ऊंचाई, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई को हम कैपिटल एच से दर्शाते हैं। तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई को कहाँ से दर्शा रहे हैं, हम कैपिटल एच से दर्शाते हैं। तो जब प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होती है तो उस स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर जो वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग मतलब यू वाई का मान, वो कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। तो जब प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है तो उस स्थिति में उसका जो ऊर्ध्वाधर जो वेग होता है वह शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई शून्य होता है। इसका जो ऊर्ध्वाधर जो वेग होता है, यू वाई का मान कितना होता है, शून्य होता है। अतः यहां पर जो वी वाई का जो मान होगा वह जीरो के बराबर होगा, और यू वाई का मान किसके बराबर है, यू वाई का मान किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है। अतः यहां पर जो वेग होगा वी वाई, ये जीरो के बराबर होगा, और यू वाई का मान, एक्चुअल में ये ऊर्ध्वाधर वेग को अपन वी वाई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वी वाई बराबर जीरो, तो वी वाई बराबर जीरो, और यू वाई का मान किसके बराबर दिया है यहाँ पर, यू साइन थीटा के बराबर है, यू वाई का मान यू साइन थीटा के बराबर है। और यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर जो त्वरण है ए वाई, ए वाई का मान किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर। माइनस जी यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उस स्थिति में वस्तु का वेग घटता है, तो वस्तु का वेग घटने की वजह से हम यहाँ पर जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसके मान को हम यहाँ पर ऋणात्मक लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे पास गति का पहला समीकरण, अब समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, हमने देखा था गति का पहला समीकरण जिसके आधार पर होता है v बराबर यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो v का मान कितना रखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू, यू का मान कितना रखेंगे, यू वाई मतलब यू साइन थीटा
प्लस ए का मान कितना रखेंगे, माइनस जी इंटू टी। अब इस मान को हम यहाँ पर पुनः रखेंगे तो वी वाई का मान कितना हो जाएगा, जीरो बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। या हम यहाँ पर हम टी का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, टी का मान। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जी टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो टी बराबर हमको मिलेगा यू साइन थीटा बटे जी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर अगला, कहाँ तक हुआ था, इक्वेशन नंबर चार तक, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर पाँच। तो हमको यहाँ पर मिला टी बराबर यू साइन थीटा बटे जी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास समीकरण है गति का, दूसरा समीकरण गति के दूसरे समीकरण से होता है, यहां पर लिखते हैं अब हमारे पास गति का जो दूसरा समीकरण उसके आधार पर होता है y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, माइनस एक बटे दो जी टी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए, या इसको हम ऐसा लिख देते हैं, y बराबर यू वाई इंटू टी इंटू वन अपॉन टू, इसके बाद मान रखते हैं u y बराबर यू वाई इंटू टी माइनस वन अपॉन टू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। मान रखने पर मान रखेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो y जो है ये हमारा अधिकतम ऊंचाई है, तो मान रखेंगे तो y का मान कितना रखेंगे, कैपिटल H बराबर यू वाई का मान कितना है, यू वाई का हम मान हमने निकाला है u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा। फिर t का मान हम समीकरण पाँच से रखेंगे, ये कितना है u साइन थीटा बटे g, फिर माइनस एक बटे दो, ठीक है g का मान रखेंगे। अब ये यहाँ पर ए वाई लिखें इसलिए प्लस रहेगा, जब इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू फिर से टी का मान रखेंगे, टी का मान कितना रखेंगे यू साइन थीटा बटे जी। या इसी को आगे हल करेंगे तो एच बराबर मिलेगा, हल कर दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी का वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग रहेगा, तो टी का वर्ग है तो वर्ग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटे जी का वर्ग, तो वहाँ से एक जी यहाँ का एक जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको एक बटे दो यू का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं एच बराबर, यहाँ पर देखो यू का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटे जी माइनस एक बटे दो यू का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, एक में आधा घटेगा घटेगा तो कितना बचेगा आधा, तो एक बटे दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। तो इसको हम कहते हैं प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, जिसे हम कैपिटल एच से दर्शाते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर छः। अब देखिए यहाँ पर प्रक्षेप की जो अधिकतम ऊंचाई है h, इसका मान हम निकाले h बराबर एक बटे दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे स्मॉल g। तो ये है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। अब इसके बाद देखिए
प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का मान कब मैक्सिमम होगा, अधिकतम कब होगा, उसके लिए अपन यहां पर देखते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई का मान अधिकतम कब होगा। तो अधिकतम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वह अधिकतम होगा तब। और हमको पता है साइन जो थीटा है उसका मैक्सिमम मान होता है प्लस वन के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच के मान को अधिकतम होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर। तो उस स्थिति में ये मिल जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। साइन थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, या साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक ही होगा। और यहाँ पर हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा का मान कब एक होता है 90 अंश के बराबर, इसलिए थीटा का मान हमको मिलेगा 90 अंश। तो जब हम किसी वस्तु को 90 अंश के कोण से फेंकें, अर्थात हम सीधा ऊपर की ओर फेंकें, ऊर्ध्वाधर में ही फेंकें, तो उस वस्तु को हम अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, और उसका जो मान जो प्राप्त होता है, अतः अधिकतम ऊंचाई का मान जब मैक्सिमम होगा तो उसका मान को हम कैसे लिखेंगे, एच मैक्सिमम। एच का मान मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम ऊंचाई, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होगा, या इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बटे 2 × g। ये एच का मान अधिकतम होने के लिए कंडीशन है, या ये वाला हमारा फार्मूला नंबर 7। तो एच का मान मैक्सिमम कब होगा, जब हम किसी वस्तु को 90 अंश के कोण से सीधा ऊपर की ओर फेंकें, तब हम उस वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो स्थितियाँ देखी, एक क्षैतिज परास के लिए, क्षैतिज परास का मान मैक्सिमम कब होगा, और एक अधिकतम ऊंचाई, हम किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक कब फेंक सकते हैं। क्षैतिज परास वाले कंडीशन में हमने देखा, यदि हम किसी वस्तु को 45 अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज दिशा में फेंकें, तो हम उस वस्तु को क्षैतिज दिशा में बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी तक फेंक सकते हैं, 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकें तब। और किसी वस्तु को सबसे अधिक ऊंचाई तक कब हम फेंक सकते हैं, जो कि अभी निकाले हैं एच मैक्सिमम का मान, यदि हम वस्तु को ऊपर, सीधा ऊपर 90 अंश का कोण बनाते हुए फेंकें, तो उसी स्थिति में हम वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न हैं, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक सूत्र और लिख लीजिए, तीसरा नंबर हमारे पास जो सूत्र है, तीसरे नंबर का फार्मूला अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई h बराबर होता है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2 × g। अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2 g। अब यहाँ पर कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे, इसके बाद अपन देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न है एक तोप से एक गोला, एक तोप से एक गोला क्षैतिज से 30 अंश कोण बनाते हुए फेंका जाता है, क्षैतिज से
30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जाता है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी पर गिरता है। जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी पर गिरता है, तो इस स्थिति में हमको अधिकतम क्षैतिज परास का मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम क्षैतिज परास कितना होगा? तो हमारा प्रश्न है, एक तोप से एक गोला क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जाता है, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी पर गिरता है। तो हमको ज्ञात करना है अधिकतम क्षैतिज परास कितना होगा। हल देखिए इसका, अब यहां पर देखिए, यहां पर किसका किसका मान दिया है? थीटा का मान दिया है 30 अंश। कितनी दूरी पर गिर रहा है? 3 किलोमीटर दूरी पर गिर रहा है, मतलब आर का मान दिया है 3 किलोमीटर। तो उस स्थिति में हमको अधिकतम क्षैतिज परास मैक्सिमम, आर मैक्सिमम का मान निकालना है। किसका मान ज्ञात करना है? आर मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, दिया है थीटा बराबर 30 अंश, आर बराबर दिया है, आर मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है, आर दिया है यहाँ पर, आर बराबर दिया है 3 किलोमीटर। हम 3 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मीटर, और हमको मान निकालना है आर मैक्सिमम का मान। चूँकि हमको पता है आर बराबर होता है क्षैतिज परास, आर का मान कितना होता है? ये होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बटे जी। इसका मान मिलता है हमको यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बटे जी, ठीक है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बटे जी के बराबर। अब हम इसका मान रखते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 3000, आर का मान कितना दिया है 3000, बराबर यू का मान कितना है, इसको रहने दीजिए, यू वो का स्क्वायर बटे जी इंटू साइन 2 थीटा, मतलब 2 × θ का मान 30 अंश। तो ये हो गया साइन 60 अंश। तो ये हमको मिलेगा यू स्क्वायर बटे जी बराबर 3000 × साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो इसका मान मिल जाएगा 2/√3। जब वर्गमूल 3/2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो उस स्थिति में हो जाएगा 3000 × 2/√3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, या इसी को हम आगे लिखेंगे, हमको यहाँ पर ज्ञात करना है आर मैक्सिमम का मान, और आर मैक्सिमम बराबर कितना होता है? इस प्रकार आर मैक्सिमम का मान होता है यू का वर्ग बटे जी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर मैक्सिमम का मान कितना है, देखो यू का वर्ग बटे जी का मान 6000 बटे वर्गमूल 3। और इसको जब हम हल करते हैं 6000 बटे वर्गमूल 3 को, तो इसका मान लगभग 3464 के बराबर प्राप्त होता है। इसका मान मिलता है 3464 मीटर।
इस प्रकार से आर मैक्सिमम का मान मिलेगा 3,464 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार हमने देखा, एक तोप से एक गोला क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो कितनी दूरी पर गिरा हो, 3 किलोमीटर की दूरी पर गिरा, लेकिन हम उसको अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकते थे, 3,464 मीटर की दूरी तक भी उसको फेंका जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा आंकिक प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ, के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। फेंकी जाती है तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है वस्तु का उड्डयन काल ज्ञात करना है। कौन से वस्तु का? गेंद का। तो गेंद का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। यहाँ स्मॉल जी बराबर लिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। हमको पता है स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल जी का मान कितना लिया गया है, राउंड फिगर में लिया गया है स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इस प्रश्न में देखिए, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंका गया है, तो उस स्थिति में हमको गेंद का उड्डयन काल का मान ज्ञात करना है। अर्थात उड्डयन काल का मतलब क्या है, कितने समय में यह प्रारंभिक स्थिति से फेंकेंगे तो पृथ्वी में दूर जा करके कितने समय पश्चात वह पृथ्वी पर जा करके गिरेगी, उस समय का मान को हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसका हल, इसका हल देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, दिया है यहाँ पर हमारा जो सूत्र लगेगा, पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ जो सूत्र लगेगा, सूत्र कितना लगेगा, टी बराबर 2u साइन थीटा, 2u है ये, बटे जी। स्मॉल टी का मान होता है 2u साइन थीटा बटे स्मॉल जी के बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, दिया है कितने वेग से फेंका जा रहा है, वेग का मान दिया है u का मान, u बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, थीटा का मान कितने कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है, 30 अंश कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है, g का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। सभी के मान दिए गए हैं, हमको केवल स्मॉल t का मान ज्ञात करना है, और स्मॉल t जो है वह उड्डयन काल को प्रदर्शित करता है। अतः सूत्र से उड्डयन काल स्मॉल टी बराबर मान रख दीजिए 2 इंटू यू का मान रखेंगे 20 गुणित साइन 30 अंश, साइन थीटा है, थीटा का मान कितना है 30 अंश, बटे जी का मान कितना है 10। ये हमको प्राप्त हो जाता है टी बराबर 20 दूने 40 गुणित साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2/10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 20 बार में जाएगा, और 20/10 अर्थात t
टी बराबर 2 सेकंड, तो टी बराबर हमको मिलेगा 2 सेकंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न देखिए, जल्दी से लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, एक गेंद क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर कितने वेग से फेंकी जा रही है, 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकी जाती है। एक गेंद क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकी जाती है, यह अधिकतम, यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, साथ ही साथ इसका क्षैतिज परास कितना होगा और इसका क्षैतिज परास कितना होगा। ठीक है, प्रश्न को देखिए, यहां पर एक गेंद क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है, यह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसका क्षैतिज परास कितना होगा। यहां पर भी स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लेना है। जी बराबर कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब इसका हल देखिए, हल देखिए, यहाँ पर जो सूत्र लगेगा, सूत्र कौन कौन से सूत्र लगेंगे, एक तो h वाला, h बराबर कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा क्षैतिज परास के लिए, r बराबर कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, इन दोनों सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है, दिया है थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश, u का मान कितना दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड, g का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ज्ञात करते हैं h का मान, अतः h बराबर कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर मतलब 40 का वर्ग गुणित साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन 60 अंश का वर्ग बटे कितना 2 इंटू जी का मान दिया है 10। तो जब इसको हल करेंगे 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 × 16 गुणित साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा बटे 10 × 20। तो यहाँ से हमको मिल जाता है एच बराबर 4 × 16 400 × 3/20, और ये मिल जाएगा 60 मीटर। तो ये हमको प्राप्त हुआ एच का मान 60 मीटर के बराबर।
इसके बाद क्षैतिज परास इधर निकाल लेते हैं, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास आर बराबर ये हो जाएगा, मान रख दीजिए यहाँ पर भी 40 का वर्ग गुणित साइन 2 गुणित कितना 60 अंश बटे कितना जी का मान है 10, तो ये हमको मिल जाएगा आर बराबर 1600 गुणित साइन 120 बटे 10, तो ये हमको मिल जाता है आर बराबर 10 से कट जाएगा 160 गुणित साइन 120 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2, तो ये मिल जाता है आर बराबर 80 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्षैतिज परास आर का मान मिलेगा 80 वर्गमूल 3 मीटर और जो अधिकतम जो ऊंचाई है उसका मान मिलेगा 60 मीटर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रक्षेप का उड्डयन काल, क्षैतिज परास और प्रक्षेप की जो अधिकतम ऊंचाई है उसके बारे में जाना और उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हमने हल किए। अगली कक्षा में हम वृत्ति गति के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।